उत्तर प्रदेश की 48 नंबर की बांदा चित्रकूट संसदीय सीट जो कि हमेशा से सुर्खियों में रही है, हमेशा से ये सीट इसलिए सुर्खियों में रही है कि इसका परिणाम कभी कोई बता नहीं पाया कि चुनाव में होगा क्या। ये वो सीट है जहां से सबसे अधिक युवाओं का पलायन होता है, ये वो सीट है जहां कभी युवा को राजनीति में मौका नहीं दिया जाता, ये वो सीट है जहां डकैतों का दबदबा रहा, ये वो सीट है जहां फरमान के आगे कभी कोई सामने नहीं आया, ये वो सीट है जहां के विकास के दावे तो किए जाते हैं लेकिन प्रश्नों से जनप्रतिनिधि हमेशा भागते रहे हैं। जी हाँ, मैं बांदा चित्रकूट संसदीय सीट की बात कर रहा हूँ और इस चुनाव में रोमांचक जो कड़ी है वो बसपा की प्रत्याशी की घोषणा के बाद और ज़्यादा रोमांचक हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने भाजपा सांसद जो कि थे उनको प्रत्याशी बनाया। इसके बाद सपा की जो सीट थी उन्होंने भी शिवशंकर पटेल जो कुर्मी समाज से आते हैं उनको टिकट दिया, यानी कि दो कुर्मी समाज से जुड़े प्रत्याशियों को उतारा गया है मैदान पे। इसके बाद बसपा ने सबको चौंकाते हुए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जिसने शायद ही सोचा रहा होगा कि राजनीति के उच्चतम सदन तक पहुंचने के लिए उन्हें मौका दिया जाएगा। बसपा ने टिकट दिया है पूर्व विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के सुपुत्र मयंक द्विवेदी, जो राजनीति में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, जिन्होंने अपने पिता के बताए जो आदर्श थे उन पर चलते हुए जिला पंचायत की सीट हासिल की और दबदबा अपनी राजनीति में बनाए रखा। सत्ता किसी की रही हो लेकिन मयंक द्विवेदी जनता के चहेते रहे हैं। मेरे साथ मयंक द्विवेदी हैं। मयंक जी, इस चुनाव में सांसदी लड़ने का क्या मतलब था? युवा थे आप, थोड़े दिन और रुक जाते तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाते, सांसद का टिकट आपको क्यों लेना पड़ा? आपने ऐसी क्या बात आपके मन में रही, टीस क्या रही इस क्षेत्र की तो आपको सांसदी में उतरना पड़ा? क्योंकि जो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी में तो लोग उनको, जो हमारे लोकसभा की जनता है वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। ऐसे कैंडिडेटों को जो चुनाव लड़ाया गया है, तो जो लोगों ने मुझे फ़ोन किया, ये क्षेत्र की जनता ने, हमारे युवा साथियों में जो एक ज़बरदस्त उत्साह था, मैं उन सारे युवा साथी या क्षेत्र की जनता के लिए, जो हर समाज मित्रवत या हर व्यक्ति जो मुझसे व्यक्तिगत जुड़ा है, सब लोगों का एक ये था कि आप मैदान में आइए, हम आपके साथ हैं। मुझे भी लगा कि एक कम उम्र का भी मुझे फ़ायदा मिलेगा और सारे युवा साथी पूरे बांदा चित्रकूट लोकसभा के मेरी मदद करेंगे। जो है सभी लोगों की उम्मीदों के तहत मैं इस चुनाव में मैदान में आया हूं और मैं अगर चुनाव इस मैदान से जीतता हूं तो जो इसके पहले सांसद हुए हैं उनसे अच्छी जो एक राजनीति का दौर है उससे अच्छा आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक परिवार से हैं आप, आपके पिता एक अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते रहे और राजनीतिक तौर पर एक बड़ा उनको संघर्ष भी झेलना पड़ा जिसके प्रश्न आपको कभी जवाब देने ही पड़ते हैं। मैं सबसे पहले उसी प्रश्न में आता हूँ कि पिता का राजनीति में जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ वो किस तरीके का था और जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे उससे कैसे मयंक निकले और जनता के बीच कैसे अपनी जगह बना पाए? चूँकि जो हमारे साथ घटना हुई थी वो राजनीतिक घटना ही हुई थी, इसीलिए मैंने खुद सोचा, चूँकि उस समय मैं 21-22 साल की उम्र में था, मैंने पूरा संघर्ष झेला है उस समय घटना का जो है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना, उस समय मीडिया के सामने रहना, सारी चीज़ें मैं जवाब देता रहा जो है। मैंने भी सोचा कि अगर मुझे इस घटना परिप्रेक्ष्य का जवाब देना है तो जनता के बीच ही आके राजनीति में रह के ही जवाब दे सकता हूँ। इसीलिए मैं लगातार 2 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, अतर्रा से लड़ा 2015 में, 2021 में बदौसा से लड़ा। जनता ने मेरा पूरा सहयोग करते हुए, सभी युवा मित्रों ने सहयोग करते हुए मुझे चुनाव जिताया और इसके बाद मुझे ये था कि अगर कहीं बड़े चुनाव में मौका मिलेगा तो मैं मैदान में आऊँगा, चुनाव लड़ूंगा। मेरा हमेशा से सोच रही है कि राजनीति से ही मैं अपना सम्मान वापस कर सकता हूँ और अपने पिताजी का सम्मान वापस करता हूँ, इसलिए मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूँ, सब लोग मेरी मदद करेंगे। मयंक जी, लोग भागते बहुत हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, छलांगें बड़ी लंबी लंबी है लोगों की। इसके बाद भी लोगों को लगता है कि राजनीति में अवसर तलाशना चाहिए, लेकिन ना तो पिता ने अवसर तलाशा ना बेटे ने तलाशा। पिछले 2 दशक से लगातार, 3 दशक से आपका परिवार बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, सत्ता नहीं है, इसके बाद भी ये जो भूख है लोगों के लिए करने की, अवसर क्यों नहीं तलाशा आपने? आपको तो मौके मिले होंगे कि भाजपा में आ जाइए, आपको पद दे देंगे और आप बड़े स्तर पर पहुंच जाएंगे। चूँकि राजनीति मैंने कभी पैसा कमाने के लिए नहीं की, बहुत सारे लोग अपना बालू में अन्न व्यवसाय करके पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं। पिताजी का भी हमारे कहना था कि राजनीति समाज सेवा के लिए करना है, पैसा कमाने के लिए तमाम अपने व्यवसाय हैं, व्यवसाय से आप पैसा कमा सकते हैं जो है। तो मैंने राजनीति जो की है, जो मैंने उनसे सीखा है, राजनीति हमेशा संघर्ष करके चलाया हूं, आज भी संघर्ष में ही राजनीति कर रहा हूं। अब मेरे साथ सभी लोगों का सहयोग है, कहीं ना कहीं ईश्वर की मेरे साथ कृपा है जिससे मैं मैदान में हूँ।
बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोग कहते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो फिसल गया था। मयंक द्विवेदी को देख कर ही लग रहा है, जो कॉन्फिडेंस है आपका, मैं उसे नाते बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में भी बहुत सारा प्रत्याशी को लेकर विरोध भी है, तो जो एक वोट बैंक है और ये जो मायावती बहन मायावती हैं जिनके पार्टी को लेकर के हमेशा कहा जाता है कि उनका बेस वोट बैंक कभी नहीं फिसलता, तो क्या ये एक बार जो गणित है इस बार सफल करेंगे आप? जो पुरानी थी जिसमें बसपा हमेशा कामयाब रही, वो एक बार फिर ऐड ऑन होने वाला है क्या आपको लग रहा है? नहीं, पूरे क्षेत्र में जैसा सहयोग मिल रहा है, जैसा हमारे बड़े बुजुर्गों का, सभी सम्मानित लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है और जो सर्व समाज का भी सम्मान मिल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि आप सबके आशीर्वाद से, जनता के जितने भी युवा साथी हैं सबका, इतना सारा फोन, इतना सारा लोगों का साथ मिल रहा है कि मैं चुनाव जीतूंगा और बसपा चुनाव यहाँ से जीतेगी। विपक्षियों के ऊपर एक आरोप और लगता रहा मयंक जी कि वो कभी प्रश्न नहीं पूछते, नहीं ये पूछते कि पिछले सांसद ने क्या काम किया, या ये नहीं पूछते कि मंत्रियों ने क्या काम किया। अब पिछली बार ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर पत्रकार ये पूछ लिया कि रिपोर्ट कार्ड कहाँ है सांसद जी आपका, तो मुझे चश्मा बदलने की सलाह दी गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि रिपोर्ट कार्ड आप क्या मांग पाएंगे कभी, या आप अपना प्रस्तुत कर पाएंगे, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कौन सी चीज़ें होंगी जो जनता के बीच लेकर जाएंगे आप? मैंने जब अतर्रा से, मैं जिला पंचायत सदस्य था तो मैं बदौसा से लड़ा, मैंने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया। उसमें कुछ हमारे मुस्लिम भाई के मित्र थे तो उन्होंने कहा कि आप अतर्रा में जिला पंचायत सदस्य थे तो क्या आपने ये बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया? मैंने कहा आप चले जाइए देख लीजिए, जो इसमें लिखा है वही कार्य मैंने किया है, और आज भी दोनों क्षेत्रों में आप चले जाइए, मेरा आपको एक भी विरोधी नहीं मिलेगा। जो भी कार्य हुए हैं क्षेत्र में सब कुछ धरातल पे है, और सारी चीज़ों का रिपोर्ट कार्ड मैं दे सकता हूँ। अगर आगे भी मुझे रिपोर्ट कार्ड देना होगा लोकसभा के चुनाव के बाद जनता के बीच में, अगर जनता मुझे सांसद बनाती है तो मैं एक एक रिपोर्ट कार्ड पूरे क्षेत्र के विकास का जनता के सामने प्रस्तुत करूँगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए मुझे चश्मा का नंबर बदलना पड़े। एक चीज़ और कही जाती रही कि बांदा का कोई बेटा विधायक नहीं बन पा रहा, बांदा का कोई क्षेत्र, बांदा जो संसदीय इधर बांदा चित्रकूट है, बांदा से कभी कोई बन नहीं पा रहा, चित्रकूट से ही बनते हैं। इस बार तो दो लोग हो गए ना आप लोग, शिवशंकर पटेल भी हैं, आप भी हैं, अब ये बात कैसे आप दूर तक ले जाएंगे कि मयंक को ही चुनना है? कौन सी ऐसी बातें होंगी कि बांदा प्रतिनिधित्व करे, या चित्रकूट भी है मानकर चले कि मयंक दोनों के हैं? क्योंकि बांदा का प्रतिनिधित्व या चित्रकूट का, चित्रकूट के भी लोग मेरे साथ हैं, चित्रकूट की जनता भी मेरे साथ है, भगवान कामतानाथ की नगरी है चित्रकूट, बांदा में चूंकि जो प्रतिनिधित्व हो रहा है तो जनता खुद डिसीजन ले रही है कि कौन प्रतिनिधित्व करने लायक है, और लगभग लगभग जनता मेरे साथ खड़ी होगी, जो उम्मीद दिख रही है। अच्छा, अभी चर्चा हो रही थी तो कुछ चीज़ें पता लगी कि आपने बताया कि कई बड़े जो भाजपा के नेता हैं या स्थानीय ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में है, लेकिन वो भी दबे जबानी कह रहे हैं कि नहीं मयंक आप आइए हम आपका सपोर्ट करेंगे, ये कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी सम्मानित हमारे बुजुर्ग हैं, सभी सम्मानित हमारे नेता हैं, और चूंकि सबका आशीर्वाद तो रहता है, सबके बीच में हूँ, चूंकि मैं तो एक कैंडिडेट हूँ या चुनाव में हूँ तो मुझे तो सबका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। यानी कि कहीं ऐसी बातें कुछ हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सपोर्ट मतलब खेमे, दूसरे खेमों में भी खलबली हो गई है टिकट के बाद? अरे सब खलबली तो इसलिए हुई है कि चूंकि जनता जो है, जो हमारे आम मतदाता हैं, चाहे बांदा हो, चाहे नरैनी हो, चाहे बबेरू हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, सब ने अपना अपना इतना जोश, चाहे करबी हो चाहे मानिकपुर हो, सब ने अपना अपना इतनी ताकत दिखा दी है कि कहीं ना कहीं ये नज़र आने लगा है जो है कि दोनों कैंडिडेटों की स्थिति दिख रही है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है, बतौर युवा मैं हमेशा ही जानना चाहता रहा हूँ नेताओं से कि क्या नेताओं को ये आकलन है कि क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। मयंक द्विवेदी को पता है कि बांदा चित्रकूट की 5 ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी हैं, जिसे अगर मौका मिलता है बतौर सांसद तो उसे दूर करना चाहेंगे मयंक द्विवेदी? समस्याएं चूंकि क्षेत्र में बहुत सारी हैं, जैसे नदियों के पुल, लोगों के आवागमन की समस्याएं, गांव देहात में रोडों की समस्याएं, तो उन समस्याओं में चूंकि जिस तरह सत्ता पक्ष के सांसद रहे, सत्ता पक्ष के लोग रहे, चाहते तो विकास करके लोगों को एक नज़र आने लगता, पे उनको तो ये था कि नहीं सांसद हम लोग बन जाते हैं फिर आगे बन जाएंगे जो है, तो उन्होंने क्षेत्र की जनता के बीच में, चाहे आप किसी भी गांव में चले जाइए, उन्होंने कभी जाना ये नहीं समझा जो है कि नहीं हमको दोबारा फिर हाथ जोड़ने जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है।
धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मयंक द्विवेदी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, और इस बार इनका कहना यह है कि ये अपना रिपोर्ट कार्ड अगर इन्हें जनता मौका देती है तो पाई पाई का हिसाब देंगे और जितनी भी समस्याएं होंगी कोशिश करेंगे कि उसे दूर किया जाए। तो ये एक बतौर युवा जो प्रवेश हुआ है राजनीति में, देखना होगा कि किस तरीके का पैटर्न है, युवा कितना पसंद करते हैं इन्हें, और मौजूदा समय में जब इतनी बड़ी लहर चल रही है, ऐसे समय में जो ये कॉन्फिडेंस है जनता के बीच, ये इन्हें कितना दूर लेकर जाता है। ब्यूरो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ अनुज हनुमत, ग्राउंड जीरो।